से बढ़कर कोई मनोरंजन नहीं होता है, और ख़ास तौर पर भारतीय सेना की गरिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। Bollywood actor Richa Chaddha is receiving backlash for her Galwan tweet in which she reacted to the Northern Army Commander Lieutenant General Upendra Dwivedi's statement that the Indian Army is ready to execute orders like taking back Pakistan-occupied Kashmir. Several celebs criticized Richa for her tweet. Now actress and adult content creator Sherlyn Chopra too has reacted to Richa's Galwan tweet. देखिए, मनोरंजन की अपनी एक जगह होती है। देश की गरिमा से बढ़कर कोई मनोरंजन नहीं होता है, और ख़ास तौर पर भारतीय सेना की गरिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है हम देशवासियों के लिए। कल ऋचा चड्ढा ने जो किया, जो ट्वीट पोस्ट किया, वो बहुत ही शर्मनाक था। 15 जून 2020 में गालवान की घाटी में क्या हुआ हम सब जानते हैं। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। उन शहीद जवानों का कल ऋचा चड्ढा ने मजाक उड़ाया, इसके लिए वो माफ़ी पाने की हकदार भी नहीं है। और झूठ मूठ का वो एक ट्वीट अपलोड करके कहती हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन नहीं, उस ट्वीट में रिमोर्स बिल्कुल नहीं था। यानी वो अपने किए पर पछतावा महसूस नहीं कर रही थी, झूठ मूठ का वो दिखावा कर रही थी। तो मुझे लगता है हम सबको आगे चलकर ऋचा चड्ढा को बॉयकॉट करना चाहिए, उन तमाम कलाकारों को बॉयकॉट करना चाहिए जो देश के प्रति प्रेम नहीं दिखा सकते हैं, जो देश का मान सम्मान नहीं कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो ये सोचते हैं कि देश की सेना उनके जेब में होती है, वो जब चाहे देश की सेना का मजाक उड़ा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या कभी उन्होंने देश के लिए अपना लहू बहाया? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। कैमरा के सामने आते हैं, नौटंकी करते हैं, विज्ञापन करते हैं, पैसा कमाते हैं। देश के लिए कभी कुछ किया इन लोगों ने? और जो लोग खून पसीना बहा रहे हैं देश के लिए, ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हिम्मत हम देते हैं उन्हें, लेकिन आगे चलकर अगर हम उनकी फिल्में बॉयकॉट करें, उनकी फिल्मों को बहिष्कार करें, तब उन्हें समझ में आएगा कि इस तरह की गलती अगर वो दोबारा करेंगे तो उनका क्या हश्र किया।